नमस्कार दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 से इनकम टैक्स प्रावधानों में क्या महत्वपूर्ण चेंजेस आ रहे हैं जो एज एन इंडिविजुअल आपको इफेक्ट करते हैं, उन्हीं बिंदुओं के साथ आज की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। तो सबसे पहले दोस्तों एक क्विक रिव्यू रखता हूं। की चेंजेस विच आर एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 आर: नंबर वन, यू विल हैव प्रीफिल्ड आईटीआर फॉर्म्स, High TDS TCS rates for non-ITR filers, TDS rates will be back to normal, penalty for non-linking of PAN and Aadhaar, PF interest on employees' contribution above 2.5 lakh rupees to be taxable, and senior citizens with 75 years or above age will be exempt from ITR filing। अब इन्हीं बिंदुओं पर सर एक डिटेल डिस्कशन आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला पॉइंट सर, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीफिल्ड आईटीआर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है सर जो भारतीय व्यवस्था में टैक्सेशन सिस्टम में आ रहा है। क्या कि भारत सरकार खुद आगे चल करके एसएससीज एट लार्ज को प्रीफिल्ड आईटीआर देगी। अब उस प्रीफिल्ड आईटीआर में क्या क्या डिटेल आएंगी सर? सैलरी इनकम आपके फॉर्म 16 से आ जाएगी, टैक्स पेमेंट्स जो आपने किए हैं, टीडीएस जो आपका डिडक्ट हुआ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सर। कैपिटल गेन ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेस, बिकॉज अगर आप देखें कि ई कैंपेन के रिसेंट जो नोटिसेज आए हैं सर, उसमें भारत सरकार ने सेविंग बैंक के इंटरेस्ट तक एसएससीज एट लार्ज को जाकर के इन्फॉर्म किए हैं। तो प्रीफिल्ड आईटीआर में जब आपको ये सारी डिटेल्स एज एन इंडिविजुअल दिखने लगेगी, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी उस इनकम पर टैक्स छुपाना चाहता है, नहीं देना चाहता, वो बचाना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच विल बी एप्लीकेबल इफेक्टिव फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 आईटीआर। हाई टीडीएस टीसीएस रेट ऑन नॉन आईटीआर फाइलर्स, ये क्या है सर? दो नए सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट में इंसर्ट होने जा रहे हैं सर, हो गए रादर आई में से। वन इज सेक्शन 206 AB, सेकेंड इज सेक्शन 206 CCA। ये क्या बोलते हैं सर कि मान लीजिए मैं एक पेई हूं, यानी मुझे आपसे पेमेंट रिसीव करना है, आपने मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया 2 लाख रुपए का, एंड यू आर सपोज टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एट द रेट 1% फ्रॉम मी। तो यानी 2 लाख पर आप मेरे से 2000 का टीडीएस काटने के लिए अदरवाइज लाइबल हैं 1% की रेट से। लेकिन मैं ऐसा पे ही हूं सर जो पिछले 2 साल से रिटर्न नहीं भर रहा, 1391 की अवधि में, और मेरा टोटल टीडीएस टीसीएस पिछले 2 साल में दोनों साल ही 50,000 या उससे अधिक है। अब आप कैसे ढूंढेंगे अपने आप में बड़ा प्रश्न है, लेकिन भारत सरकार कह रही है कि आप ढूंढिए कि आप किसको पे कर रहे हैं अगर वो व्यक्ति पिछले 2 साल से रिटर्न नहीं भर रहा और उसका टीडीएस टीसीएस टोटल मिला के 50,000 या अधिक है, तो आपको गिवन टैक्स रेट का डबल, यानी टीडीएस रेट का डबल या 5% की रेट, विच एवर इज हायर, उस रेट पर टीडीएस काटना है या टीसीएस कलेक्ट करना है। तो उस दृष्टि से सर, टीडीएस के केस में पेयर्स के लिए और टीसीएस के केस में सेलर्स के लिए ये अपने आप में एक हेडेक होने वाली है इन पर्टिकुलर प्रावधान की, इन पर्टिकुलर प्रोविजंस की वजह से। दोस्तों जहां तक मुझे ध्यान आता है, भारत सरकार ने कोविड-19 की परिस्थिति के मद्देनजर 14 मई 2020 से टीडीएस की रेट्स स्लैश करके 75% कर दी थी। यानी 10% है तो 7.5% टीडीएस कटेगा, 1% है तो 0.75% टीडीएस कटेगा। वो जो छूट थी सर, वो 31 मार्च 2021 तक ही लागू थी, यानी 1 अप्रैल 2021 से आपकी टीडीएस की रेट्स अब नॉर्मल रेट्स होने वाली हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए सर, पहले मैं आपके सामने भारत सरकार की उदारता रखता हूं कि भारत सरकार ने बहुत उदारता दिखाई, ये कहा कि सर पैन आधार की जो लिंकिंग है उसकी अवधि हम कोविड-19 की परिस्थिति के मद्देनजर 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर के 30 जून 2021 कर रहे हैं। मेरा केवल उनसे ये निवेदन था सर, यदि आप कोविड-19 की परिस्थिति पैन आधार लिंकिंग के मद्देनजर मानते हैं, तो असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए आईटीआर फाइलिंग में भी उदारता भारत सरकार को दिखानी चाहिए थी। पर्टिकुलरली इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने ई कैंपेन के नोटिसेस पिछले कुछ दिनों में, मार्च के लास्ट वीक में ही भेजे थे, तो एसएससीज एट लार्ज को अपने नेसेसरी करेक्शंस करने का मौका नहीं दिया गया, जो कि मैं गलत मानता हूं। जब भारत सरकार 148 के नोटिस की अवधि 1 महीने बढ़ा सकती है खुद के लिए, तो फिर सर भारत सरकार एसएससीज एट लार्ज के लिए भी रिटर्न भरने की समयावधि को 1 महीने क्या 10 दिन भी बढ़ाती तो बहुत से लोगों को रिलीफ मिलती। पर यहां पर फॉर्चुनेटली आपको पैन आधार की लिंकिंग बढ़ाने का, लिंक कराने का समय दे दिया गया है, और यह भी कह दिया गया है, एक सेक्शन 234H इंसर्ट किया जा रहा है सर। अब पेनल्टी मैंने वर्ड यूज किया है, लेकिन सही टर्म फीस है, छुपा हुआ नाम पेनल्टी है, ठीक है क्या?
कि अगर आप पैन आधार लिंकिंग नहीं करा पाते इस डेट तक, इसके बाद आप जब भी लिंक कराएंगे सर, आपको 1000 रुपए की फीस ऑनलाइन देनी पड़ेगी। दोस्तों ये पॉइंट आप सबको क्लियर है, पीएफ इंटरेस्ट ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन अबाउट 2.5 लाख, दैट इज एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इफ इट एक्सीड्स 2.5 लाख विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, तो उस 2.5 लाख से ऊपर के कॉन्ट्रीब्यूशन पर आने वाला ब्याज अब टैक्सेबल होगा। तो दोस्तों सीनियर सिटीजन्स के लिए भारत सरकार की इस घोषणा से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं कि अगर उनकी उम्र 75 साल या उससे अधिक है तो उनको रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है, प्रोवाइडेड वो बैंकर को अपनी सारी डिटेल्स सैलरी यानी पेंशन की और इंटरेस्ट की दे दें। हाँ, अगर उनके पास कोई और इनकम है तो ये ऑप्शन लागू नहीं होगा। हाँ, मैं एक बात बड़ा क्लियर बोलना चाहता हूं सर, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो 75 साल या उससे अधिक के हैं उनको कहीं भी टैक्स भरने से एग्जम्पशन नहीं दी गई, केवल उनको आईटीआर भरने से ही दोस्तों एग्जम्पशन मिलेगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगी। यदि असेसमेंट ईयर 2022-23 फाइनेंस एक्ट 2021 से रिलेटेड कोई और क्वेरीज आपके दिमाग में हो आप मुझे जरूर लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि उनका हल आप तक पहुंचा पाऊं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।